बेबी का ध्यान रखो, भी ध्यान रख, ठीक है? चलो बाय बाय। आपको नाम क्या है? अब मेरा नाम पता है आपको? नानी बालेश्वर के लिए मिले थे, मिल जा रहे हो? चलो चलो नानी के साथ चलो। कितना प्यारा लगता है, नानी दादी बोलते रहे तो मुझे बच्चों लोग जेबू की और आशू लोग की याद आ जाती है ना। मेरी तो फ्लाइट आधी रात की थी, पर ये नहीं पता था कि आधी रात को भी लोग मिल जाएंगे और इतने मासूम से बच्चे जो अपना ही नाम जल्दी याद नहीं रख सकते, वो मेरा नाम याद रखते, मेरी पहचान याद रखते। तो ये मेरे सरकार का ही करम है जो मुझे पहचान मिली है। जैसे कि मैं निकली थी अजमेर जाने के लिए और उससे बड़ी खुशी ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं मिलती है। निकली थी अंधेरे में और पहुंची उजाले में, यही बात होती है कि जो सरकार का उजाला है मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा गहराई तक है। और वहाँ पे बस जैसे हम गाड़ी में बैठे, इतने थके मांदे थे क्योंकि पूरी रात के जो उजागड़ा था, मतलब जगना, तो अमीन तो मेरे गोद में ही सो गया लेकिन मैं नहीं सो रही थी। अगर मैं सो गई तो नाश्ता भी हमारा जो रह जाता रास्ते का। जैसे ही होटल आया फिर अमीन को बोला चल बेटा कुछ नाश्ता कर लेते, पर नींद का ऐसा आलम था रात का कि नाश्ता भी अच्छा नहीं लग रहा था ये बार तो। और हमेशा ही मैं मंगाती हूँ अपने लिए पनीर पकौड़े, पर आप यकीन करोगे इस बार मैंने ज़्यादा एक से दो खाकर भी मेरा दी एकदम मचनाने लगा, क्योंकि नींद जो थी बहुत ज़्यादा आँखों में नींद बसी हुई थी। और अमीन भाई ये तो जब अजमेर निकलता है तो इसकी तो मज़ा होती है, डाइट वाइट सब साइड में। हाँ, और उसके बाद फिर जब से अमीन गया वॉशरूम फ्रेश होने तो मैं वहाँ झूले पर बैठी थी तो मुझे बहुत अयूब की याद आ रही थी। तो मैंने अयूब की, मतलब देखो याद जो होती है वो कभी जाती नहीं है, पर कुछ लफ्ज़े होते हैं जो हम सॉन्ग के ज़रिए रील्स के ज़रिए करते रहते हैं, तो ये एक समझने की बात होती है, जिससे हम प्यार करते हैं वो समझता है उस बातों को। और औरतों की आदत, कहीं भी जाओ अपनी जो घर की बातें हैं, बच्चों की फ़िक्र है, वो कभी नहीं छोड़ते। तो मुझे पता है मेरा बेटा डाइट करता है, ज़्यादा खाना खाएगा नहीं। जैसे ही मुझे लीची दिखी, सबसे पहले तो मैंने लीची बहुत सारी ली, फिर हम पहुँचे होटल और माशाल्लाह वहाँ जाके फ्रेश हुई, क्योंकि नींद का आलम अभी भी कम नहीं था। और मेरे फ्रेश होने तक तो अमीन भाई तो लम लेट एकदम गहरी नींद में सपनों की दुनिया में चले गए थे। फिर मैं भी सब चीज़ें से फारिग हुई, थोड़ी सी लीची खाई, उसके बाद जाके मैं फिर सो गई। और उसके बाद फिर उठी क्योंकि शब में जाना था हम लोगों को और लंच भी नहीं किया था हमने, तो शब में फिर मुझे आते आते आधी रात हो जाती है, तो इसीलिए फिर मैंने पहनी ड्रेस और फिर हम गए, हमारे जो होटल है वहाँ रूफ टॉप पे ही हमारी लंच की तैयारी थी। सबसे अलग डिश मैंने सुना हूँ भिंडी दो प्याज़ा। भिंडी दो प्याज़ा, और जैसे कि अगर मुझे अच्छी लगी लाजमी है मेरे चैनल पे ज़रूर बनाऊंगी मैं। और मुझे खाना था थोड़े अलग अलग वैरायटीज़, पर थोड़ी सी, इसीलिए मैंने मंगाई हूँ पंजाबी थाली है ना। पंजाबी थाली में क्या है, पनीर भी रहेगा मेरे पसंद का, दाल मखनी भी रहेगी, दही भी रहेगा, और सबसे ज़्यादा जो मेरी ज़बान मीठी, गुलाब जामुन। जिसको लगे गुलाब जामुन, किसी को लगे ग्रीन चिली तीखी वाली है जो छोटी वाली, और किसी को मेरे बच्चों को क्या लगता है पता है, बर्फ का गोला। आइए हमारे साथ खाना खाने के लिए अजमेर। और लुक तो देखिए यहाँ का, क्या मस्त ठंडी हवा चल रही है। हमारे आने के पहले अल्लाह ने कल बारिश की है अजमेर में, खूब ठंडक फैला दी है, और उसका जो मज़ा है हम ले रहे हैं यहाँ बैठ कर। और इसके बाद हम जाएंगे थोड़ी शॉपिंग करने, उसके बाद जाएंगे दरगाह पे, रात तक हम रहने वाले दरगाह पे। ये देख भिंडी दो प्याज़ा। और मैंने थाली मंगाई, रोटी, व्यू देखना, ना ना ही ठंडी, मस्त मज़ा आ गया। कल आने के पहले अल्लाह ने खूब बारिश भेजी थी ना, अपने इधर सूरत में ठंडा हुआ ना भाई, गर्मी है अपने आता। अम्मी सोए ले नहीं, उठ गए? और आप या की तबीयत अच्छी है? अभी सोते नहीं, आप सोए गए। तो आपू की तबीयत अच्छी है? अच्छा है, दोनों पत्ता। खाना खाया तूने? चल मैं खाना खा के फिर निकलने के टाइम फोन करती हूँ। हाँ ठीक है, बाय।
माशाल्लाह खाना खाते खाते अयूब से भी बातें हुई, बहू से बातें हुई, बच्चों से बातें हुई, और फिर मैं निकल गई वहाँ से। थोड़ी सी शॉपिंग करना था मुझे, और लेट नाइट तक फिर मैं दरगाह पे रहती हूँ तो वो रह जाता है, और जाने की फिर मेरी जल्दी रहती है। तो वहाँ फिर जैसे लोग मुझे प्यार करते हैं, सेल्फी के लिए रुकाते हैं, बहुत सारी फैमिली मुझे ब्लेसिंग देती है, दुआ देती है, कुछ लोग तो पर्सनली बातें भी पूछते हैं अयूब के रिलेटेड। अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, होता है ना, जब एक पंचायतड़ा अगर पंचायत नहीं करेगा तो फिर जीने का मज़ा भी नहीं आता। ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी किक भी होती है प्यार करने वाले, जैसे एक जन आपको सताते हैं तो 10 जन उसके बदले में आपको प्यार करते हैं। वही तरीके की जो सोशल मीडिया की ज़िंदगी है मेरी, उसी तरीके की है, इसीलिए मैं कभी किसी को जवाब देना पसंद नहीं करती हूँ। और माशाल्लाह जैसे शब मेरे दिल के बहुत करीब वाली बातें हैं ये चीज़ें, तो मैं पहुँची शब में, लेकिन दुआ बहुत लेट होने वाली थी, लेकिन दिल नहीं मानता, मेरा दिल जब तक चाहता है तब तक मैं सरकार के यहाँ बैठती हूँ। और लोग मुझे, मेरे बच्चे सेलिब्रिटी बोलते हैं, लेकिन मैंने कभी अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं मानी हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि सरकार ने जो मेरी पहचान दी है, जो मेरे लिए लोगों के दिल में मोहब्बत दी है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मिलना सबके नसीब की बात नहीं होती। मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा नहीं कि किसी का नसीब क्या है, किसी का नसीब कैसा, मैं कभी इन बातों पर तवज्जो नहीं देती हूँ। और फिर आप लोग हमेशा ही देखते हो कि मेरे एक भाई है हुसैन भाई, मैं एक बात आपको बोलती हूँ, मैं जिनको इज्जत दी और उन्होंने मुझे बदले में इज्जत दिया, तो मैं उनको 70 गुना 100 गुना इज्जत देती हूँ, क्योंकि यही दुनिया का दस्तूर है, जो आप दोगे वो मिलेगा, तो उससे और डबल आप उसको दोगे। और माशाल्लाह हुसैन भाई ने बहुत अच्छी रेस्टोरेंट बनाई है ऊपर भी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब भी यहाँ आओगे अजमेर तो कायनात ज़रूर जाना, क्योंकि हुसैन भाई जो है दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। ये भाई है मेरे, ये आपने सुना, उनको नहीं पता था कि यार वीडियो चैनल, ये होती है दिल से बात। अब नासिर भाई के लिए उनके दिल से दुआ निकल, तो ये होना चाहिए जिसके लिए हम पढ़े हों, जो हमारे लिए है, हमेशा उनको हमेशा दुआ में याद करते करते हैं ना। मेरे भाई दुआ करते तो मैं मेरे भाई की दुआ करूँ। माशाल्लाह मैं शाम से ही दरगाह पे थी, और मैं खास गई थी शब की दुआ के लिए, तो उसके लिए काफ़ी टाइम था, तो मैंने बोला चलो भाई से मिलकर आऊँ, भाई से मिली, और उतने में दुआ का टाइम भी हो गया, तो आए फिर दुआ में शामिल हुए। और जज़ाक अल्लाह खैर, हमारे जैसे तमाम लोगों को अल्लाह पाक बुरी नज़रों से बचा के रखे। कैसा बीता आज का आपका दिन? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुआ में शामिल हुए। और कहती हूँ ना, जैसे गरीब नवाज को लोग चाहने वाले, ऐसी गरीब नवाज ने मेरी किस्मत में चाहने वालों को इसी तरीके से दिए। और आज तो हुसैन भाई बोल भी रहे थे कि बहुत नसीबदार हो आप, कि आपको चाहने वाले इतना इंतजार करते हैं। मैं जब भी हुसैन भाई के होटल पे जाती हूँ तो बाहर बहुत सारे लोग रहते हैं जो सेल्फी लेने के लिए स्पेशली खड़े रहते हैं, तो आप लोग जो भी सेल्फी लेते हैं, मुझे पता है आप सब मेरा व्लॉग देखते हो क्योंकि आप बोलते हो, तो आप सबका दिल से शुक्रिया, जजाक अल्लाह। और अब थोड़ा सा मैं जैसे नरमी से रहना और अपने आप में जीना, ये थोड़ा सा मैं अपनी लाइफ को चेंज करी हूँ, जो जैसा उसके साथ वैसा। अब मैं जैसे मैं पहले रहती थी ना सोशल मीडिया पे आके, ये सोचती थी कि एक प्लेटफॉर्म मिला है, हमें वो चीजें देनी चाहिए जो लोग सीखे, पर ये हम अगर ये चीज करते ना तो लोग, मैंने लास्ट टाइम बताई थी ना क्या समझते हमको, तो वैसे हम होते नहीं है। बीप डाल दो क्या वापस? तो अल्लाह पाक जैसे ही छिट्टी में मैं आती हूँ जिन सोच के साथ, और जो दुआएं मुझे मिलती है अल्लाह से, यही दुआ करती हूँ कि बिना मांगे अल्लाह ने और गरीब नवाज से मुझे जो दिया है उससे 70 गुना आप लोगों को दे। मेरी खास दिल से ये दुआ है, और आप लोग भी जब भी किसी के लिए दुआ करो तो ये जरूर बोलना, क्योंकि हम दूसरों के लिए दुआ कर देते तो अल्लाह पाक गैप से हमें देता है। अल्लाह हाफिज, आप सबको छठी की शब मुबारक और छठी की शाम मुबारक। जैसे मैं खुश हूँ, अल्लाह आपकी जिंदगी में हमेशा तक कयामत तक ऐसी खुशियां बरकरार रखे।